हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं। दो पार्ट हम लोग इसके पहले कर चुके हैं। थर्ड पार्ट क्या है? तीनों पार्ट में ये था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके आपको क्या करना था, HCF निकालना था। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं, फिर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के रूप में जो लिख देते हैं वही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाना हो जाता है। तो हमको यहाँ पे दिया है 867 और 22255। तो इस पे क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने के लिए क्या करेंगे, बड़े वाले नंबर को 867 को क्या करेंगे, 255 से डिवाइड करेंगे। तो ये कितनी बार जाएगा, ये चार बार तो नहीं जाएगा, तीन बार जाएगा। तीन सेवन सिक्स फाइव, ये टू जीरो वन, ये शेष का आ गया। तो यूक्लिड विभाजन पर मैं क्या जब इसको लगाया था, हम क्या रखेंगे, 867 इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पे शेषफल क्या आ गया, जीरो नहीं आ रहा है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे अगले स्टेप में, शेषफल जीरो नहीं आया तो फिर क्या करेंगे, भाजक 255 और शेषफल 102, शेषफल 102 पर वही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने का। तो फिर क्या करेंगे, 255 और 102 पे लगाना है। तो 255 को क्या करेंगे आप, 102 से डिवाइड करेंगे, तो दो बार जाएगा ये 150, ये शेषफल आ गया। तो फिर क्या लिखेंगे, भाज बराबर यानी 255 बराबर भाजक, भाजक क्या है 102 गुणे भागफल क्या है 2, शेषफल क्या है 51। फिर यहाँ पे शेषफल जीरो नहीं आया तो फिर क्या करेंगे, भाजक और शेषफल पर लगाएंगे, यानी फिर भाजक 102 और 51 पर वही काम करेंगे यूक्लिड विभाजन पर नहीं था। तो 102 और 51 पर लगाएंगे, तो 102 को 51 से आप डिवाइड करोगे तो ये दो बार अगर जाएगा तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, ये शेषफल जीरो आ गया। तो यानी 102 बराबर आप क्या लिखेंगे, भाज बराबर भाजक क्या है 51 गुणे भागफल क्या है 2, शेषफल क्या है 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया। तो भाजक यानी भाजक 51 ही 867 और 255 का HCF हो गया। तो हम लोगों को यही करना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके जब आपको दिया रहे तो क्या करोगे आप, सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाओगे, पहले जो दो नंबर दे रहे हैं बड़े नंबर देखोगे, फिर छोटा नंबर, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करोगे, फिर भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल लिखोगे। फिर अगर शेषफल जीरो नहीं आया, शेषफल जीरो आ गया तो जो भाजक होगा, ऐसा हो सकता है शेषफल आपका पहले स्टेप में जीरो आ जाए, तो शेषफल अगर आपका जीरो आ गया तो जो भाजक होगा वही HCF हो जाएगा। अगर शेषफल जीरो नहीं आया तो फिर भाजक और शेषफल को लेके आप, भाजक और शेषफल को लेके फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, फिर अगले स्टेप में फिर भाजक और शेषफल को लेके तब तक लगाते चले जाएंगे जब तक शेषफल जीरो ना आ जाए। और जीरो आने के बाद उसी में जो, जीरो आने के बाद जो हमारा भाजक होगा उस स्टेप में वही क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। तो ये तो हम लोग देख लिए। इसका क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, 1.1 का क्वेश्चन नंबर टू क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक
दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने में हम लोग क्या करते हैं, वही एक ही तरीका फॉलो होता है इस टाइप के क्वेश्चन करने में। जिस रूप का वो बोला जा रहा है कि 6q, तो यहां से जिस संख्या से डिवाइड करना है वो हमको तुरंत पता चल जाता है कि वो क्या है, 6 है। ये 6q+1 इस टाइप की बात करी जा रही है, तो हमारा यहाँ जो जिस नंबर से डिवाइड किया जाएगा यानी बी बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं, बी गेस कर लेते हैं। फिर क्या बोला है, किसके बारे में बात करा जा रहा है, ये 6q+1, 6q+3, 6q+5 कौन है, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो हम लोग क्या करेंगे, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ए हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक है, वहां से हम लोग बी पता कर लिए हैं, तो ए और 6 पर क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने का। तो क्या करेंगे आप, ए को 6 से डिवाइड करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या करते हैं, बड़े वाले नंबर को क्या करते हैं, छोटे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हमको पता है बी क्या है, 6 है, यानी 6 से डिवाइड होगा, तो ए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। तो क्या डिवाइड करते करते आप चले जाओगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, कुछ शेषफल आर मिलेगा। आर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये नंबर अगर फिक्स नहीं है, ए हमारा फिक्स नहीं है, तो ये आर भी फिक्स, ए जैसे जैसे बदलेगा आर भी बदलेगा। और यहाँ पे जो भागफल आया हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, क्यू। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जब ए पर लगाएंगे तो हम लोग ए को क्या लिखेंगे, भाज बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। अब शेषफल हमारा क्या होगा, 6 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या होगा, 0 से बड़ा या उसके बराबर और हमेशा 6 से छोटा ही होगा। आप कितना भी बड़ा नंबर ले लो, किसी भी नंबर को जब 6 से डिवाइड करोगे तो जो शेषफल आएगा वो 5 आएगा, 4, 3, 2, 1 या 0। तो यानी आर की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5, आर की वैल्यू केवल और केवल यही हो सकती है। यानी ए आपका क्या हो सकता है, ए हो सकता है ये 6q+r=0 रख दिए तो ये इस टाइप का हो गया, r=0 पे अगर r=1 आया तो ए बराबर क्या होगा, 6q+1। अगर r=2 आया तो ए बराबर क्या होगा, 6q+2। अगर r=3 आया तो a क्या होगा, 6q+3। इसे मैं r की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 अलग अलग करके लिख रहे हैं, तो r की वैल्यू जब 4 आएगी तो a बराबर 6q+4, और r की वैल्यू जब 5 आएगी तो a बराबर 6q+5। तो आप मान के चले हैं कि a क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ए क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये हम लोग कंसीडर करके चले हैं। ए क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये हम लोग पहले से मान के चलते हैं। तो ए अगर धनात्मक विषम पूर्णांक है तो आप देखिए, ये 6q टाइप का हो सकता है ए, कभी 6q+0 मतलब 6q टाइप का, ए जो है 6 का मल्टीपल, 6 इंटू क्यू का मतलब 6 गुणे
कोई पूर्ण संख्या। तो अगर धनात्मक विषम पूर्णांक होगा तो विषम तो यह है नहीं, ये क्योंकि दो से डिवाइड हो जा रहा है, तो सिक्स क्यू क्यू की वैल्यू आप चेंज कर करके देखते जाओगे तो ये सारे दो से डिवाइड होंगे क्योंकि यही दो से डिवाइड हो रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा नहीं होगा, ए ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ए तो हमारा विषम पूर्णांक है ना, और ये तो सम संख्या आएगा, सिक्स इंटू कोई भी पूर्ण संख्या करोगे तो हमेशा सम ही आएगा। ऐसे आप देख सकते हैं, सिक्स इंटू वन करोगे या सिक्स इंटू टू करोगे 12, 6 इंटू थ्री करोगे 18, ये कोई भी आप करते चले जाओगे, ये तो हमेशा दो से डिवाइड होगा ना। तो जो 6 से डिवाइड हो रहा है वो दो से तो डिवाइड होगा ही है, तो हम लोग ये नहीं हो सकता, ये इसको कैंसिल कर दिए। 6q+1 ये हो सकता है, क्यों हो सकता है, 6q क्या है, ये सम संख्या है, क्योंकि ये दो से डिवाइड हो जाए, इतने की अगर बात करा जाए तो ये सम संख्या है, और सम में एक जोड़ोगे तो ये विषम पूर्णांक होगा। ये क्या है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि सम संख्या में दो जोड़ोगे तो सम संख्या आएगा, ये सम संख्या में तीन जोड़ोगे तो ये विषम संख्या, ये सम संख्या में चार जोड़ोगे तो ये सम संख्या, सम संख्या में पांच जोड़ोगे तो ये विषम संख्या। यानी ए अगर धनात्मक विषम पूर्णांक है, ए धनात्मक विषम पूर्णांक है हम मान के चले हैं, तब ए बराबर 6q या a बराबर 6q+3 या a बराबर 6q+5 ही हो सकता है। यानी आपका जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वो हमेशा क्या होगा, ये 6q के रूप का होगा या 6q+3 के रूप का होगा या 6q+5 के रूप का होगा। इसको आप समझ रहे हैं, निगलेक्ट करना, ये 6×q, q कोई पूर्ण संख्या होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 6 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 से तो डिवाइड होगा, तो इसीलिए इसको q की किसी भी वैल्यू के लिए ये सम संख्या होगा। ये सम संख्या है, अगर ये है, ये समझ में आ गया सम संख्या, तो इसमें जब दो जोड़ोगे तो सम संख्या में दो जोड़ोगे तो वो भी हमेशा सम संख्या आएगा। ये 6q+1 है तो ये विषम होगा, ये केवल 6q है तो ये सम होगा। तो हम लोग को विषम पूर्णांक देखना है ना, विषम धनात्मक पूर्णांक, तो विषम वाले हमारे कौन से होंगे, 6q+1 6q+1 वाले ये तो विषम होंगे, 6q तो सम हो जाएगा। तो यानी ये क्या होगा, 6q+1, 6q+3, 6q+5, ये हम लोगों का क्वेश्चन हो गया। इसका क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, क्वेश्चन जो थर्ड है वो लिखने में थोड़ा ज्यादा टाइम होगा, तो मैं उसको पहले से लिख के ही रखूंगा फिर कराऊंगा। तो क्वेश्चन 4 लेते हैं, क्वेश्चन थर्ड और एक एग्जांपल है आपका, वो दोनों लिखने में बड़े हैं, तो एग्जांपल 4 और क्वेश्चन थर्ड ये एक साथ करा देंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए थ्री
थ्री एम या थ्री एम प्लस वन के रूप का होता है, थ्री एम या थ्री एम प्लस वन के रूप का होता है। तो यहां पे क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयता का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अभी हम लोग क्या देख रहे थे इससे पहले कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक को या धनात्मक विषम पूर्णांक को बोला जाता था कि ये करो कि इस रूप में होगा, ये 2q या 2q प्लस 1 इस टाइप का दिया जाता है। अब की क्या करना है, धनात्मक पूर्णांक के वर्ग के बारे में बात करी जा रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कोई धनात्मक पूर्णांक लेंगे, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ पे क्या है, ये 3m या 3m प्लस 1, यहाँ से हमको गेस होता है कि जो a की वैल्यू होगी, b की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3 होगी, यानी a और 3 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयता लगाने पर। यहां से हम लोग को देखते हैं, यहां से b यहां मिला, तो a और 3 पे जब लगाएंगे तो a बराबर क्या लिखेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे 3 से, 3 इंटू कुछ आएगा कोई पूर्ण संख्या q प्लस क्या आएगा रिमाइंडर r, यही तो होगा। जब आप a को 3 से डिवाइड करोगे और a जब फिक्स नहीं है तो करते करते चले जाओगे तो यहाँ पे कोई r शेषफल आएगा और q क्या आएगा, ये भागफल आएगा, और r हमेशा क्या होगा, r 3 से छोटा ही होगा, r greater than equal to 0 less than, यानी r की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी, यानी a आपका क्या होगा, या तो r बराबर अगर 0 रखेंगे तो ये 3q, r बराबर 1 रखेंगे तो ये क्या आएगा 3q plus 1, या r बराबर 2 रखेंगे तो a बराबर क्या आएगा 3q plus 2, यानी जो कोई भी धनात्मक पूर्ण संख्या या तो 3q या 3q plus 1 या 3q plus 2 के रूप का होगा, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, इसका वर्ग के बारे में बात करनी है, यानी जो a है, a को नहीं पूछा है कि 3q, 3q plus 1, 3q plus 2, a square, तो a अगर 3q के रूप का होगा तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां देखें a square क्या हो जाएगा, ये 3q का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर, और क्यों क्या क्या है यहाँ पे, क्यों पूर्णांक है ये तो बताया जाता है, क्यों पूर्णांक है, तो a स्क्वायर क्या होगा, ये 9q स्क्वायर होगा, और यहां से क्या हो सकता है a स्क्वायर, ये 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये 3q का स्क्वायर करेंगे तो आप 9q स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही और प्लस 2a * b यानी 2 * 1 * 3 को 6q, तो आपका a स्क्वायर ये हो सकता है, एक और बचा a स्क्वायर ये क्या होगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये क्या होगा 3q का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इनटू 2 इनटू 3q, तो ये क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q। तो यानी a स्क्वायर आपका ये 3 होगा और q क्या है पूर्णांक, या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, अब ये कह रहा है कि ये 3m या 3m प्लस 1 के रूप का, इस टाइप के हमको दिखाना है इसको, तो मैं इसको मिटा देता हूं,
यहां से क्या पता चला हमको, ए ए स्क्वायर ये क्या होगा, 9q² या 9q² + 6q + 1 या 9q² + 6q + 1 या लास्ट वाले लिख देते हैं 9q² + 12q + 4 के रूप का होगा। ए हम लोग पहले क्या किए, कोई धनात्मक पूर्णांक है ए और तीन पे युग्मक विभाजक प्रमेय का लगाया तो पता चला ए 3q हो सकता है या 3q + 1 या 3q + 2। अब ए स्क्वायर हमको क्वेश्चन में पूछा है तो ए का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9। अगर ए 3q है तो ए स्क्वायर क्या हो सकता है, 9q² के रूप का होगा। अगर 3q + 1 होगा तो स्क्वायर करेंगे तो ये 9q² + 1 + 6q के रूप का होगा। जब ए 3q + 2 के रूप का होगा तब ए स्क्वायर क्या होगा, 9q² + 12q + 4 के रूप का होगा। यानी ए स्क्वायर हमारा इसी तीन रूप का हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू 9q² क्यू पूर्णांक है, क्यों पूर्णांक है तो हमको क्या बोला है, इसको 9 को कैसे लिख ले आप, 3 × 3 और 3 × 3 3q² को अलग लिख लें, कर सकते हैं ऐसा बिल्कुल। अगले वाले को देखें क्या कर सकते हैं, ये है 9q² + 6q + 1 इसको क्या करेंगे, यहां दोनों से 3 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3q² + 2q + 1। और फिर थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाले में इन दोनों से 3 कॉमन निकाल लेते हैं, पहले लिख देते हैं 9q² + 12q + 4 और 4 को क्या लिख देते हैं, 3 + 1 और फिर क्या करते हैं, 3 जहां से कॉमन है निकाल लेते हैं तो ये 3q² + 4q + 1 + 1 ये हो गया आपका। क्योंकि हमको फाइनली क्या बोला है कि वो 3m या 3m + 1 यानी हमको जो जो दिखाना है वो 3 का मल्टीपल यानी 3 × कोई पूर्णांक या 3 × कोई पूर्णांक + 1 इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 का गुणज बना रहे हैं। तो 3 यहां पे दिखने लगा, 3 यहां से कॉमन ले ले इसको, इस यहां दोनों से 3 कॉमन है तो 3 × something + 1 यहां पे क्या होगा, 3 × और यहां पे 4 था तो 4 को हम लोग क्या लिख दिए, 3 + 1 तो यहां तीनों से 3 कॉमन ले ले। अब देखो अगर q पूर्णांक है, हमको पता है कि q क्या है, पूर्णांक है, q पूर्णांक है तो आपका जो क्यों पूर्णांक है तो उसका पूर्णांक का स्क्वायर करें या पूर्णांक में किसी पूर्णांक से मल्टीप्लाई करें तो वो हमेशा क्या रहेगा, पूर्णांक ही रहेगा। तो ये जो 3q² होगा ये आपका 3q², इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये हमेशा पूर्णांक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि क्यों पूर्णांक है तो 3q² भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। 3q² + 2q भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। क्यों नहीं होगा, किसी पूर्णांक को स्क्वायर करो, क्यों पूर्णांक है इसका स्क्वायर करो, किसी से मल्टीप्लाई करो, उसमें कोई भी नंबर जोड़ दो पूर्णांक तो पूर्णांक ही रहेगा, ये भी क्या रहेगा, ये भी पूर्णांक ही रहेगा। आप जब क्यों कोई भी पूर्णांक रखो उसका स्क्वायर करो 3 से मल्टीप्लाई करके और क्यों में 4 से मल्टीप्लाई करके जोड़ो, फिर उसमें एक और जोड़ो वो भी पूर्णांक ही आएगा, ये तो हम लोगों को पता है बेसिक से। तो यानी जो हमारा ए स्क्वायर हुआ, ए स्क्वायर वो क्या हुआ, इसको कोई भी पूर्णांक एम मान लेते हैं, ये क्या होगा 3 × m या 3 × m + 1 और ये भी 3 × तो ये बात तो एक ही हो जाएगी, दो बार लिखने के बजाय 3 × कोई पूर्णांक + 1 तो ये हमारा इसी में आ गया, ये और ये तो तरीका एक ही ना, 3 × पूर्णांक + 1 तो क्योंकि जैसे जैसे वैल्यू बदलेगी सारे आ जाएंगे तो ये दोनों जो है तो हम लोग ए स्क्वायर क्या होगा, ये 3m टाइप का होगा या 3m + 1 टाइप का होगा, 3m
या 3 m प्लस 1 के रूप का होगा। और आप यहां पे एक चीज ये कर सकते हैं कि q एक पूर्णांक है, q एक पूर्णांक है तो 3 इंटू क्यू स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। ये आप लिखेंगे क्योंकि कोई पूर्णांक है, पूर्णांक को स्क्वायर करके 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो पूर्णांक ही रहेगा। ये 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2, क्यू एक पूर्णांक है तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू भी एक पूर्णांक होगा। थ्री क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 भी क्या होगा, पूर्णांक। कोई पूर्णांक लेके स्क्वायर करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसे पूर्णांक 4 से मल्टीप्लाई करके एक जोड़ो तो ये भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। ये तो हम लोगों को एकदम बेसिक से पता है ना, इसमें कोई वो ज्यादा नहीं कि जब पूर्णांक का स्क्वायर करो, पूर्णांक को किसी पूर्णांक से मल्टीप्लाई करो, पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ो तो हमेशा क्या होता है, पूर्णांक। तो ये जो पूर्णांक है, जिसको हम आए कोई नया पूर्णांक मान लेते हैं एम, इसको क्या मान लिए, नया पूर्णांक हम लोग क्या मान लिए, एम, इसको एक नया पूर्णांक एम मान लिए। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू एम या 3 इंटू एम प्लस 1, ये भी कोई पूर्णांक होगा तो उसका जो है रूप होगा 3 इंटू मान ले एक्स प्लस 1। तो इसमें आ गया ना 3 इंटू एम प्लस 1 या 3 इंटू, और यह क्या है, पूर्णांक। तो यहां से हम लोग सिद्ध कर लेंगे कि ए स्क्वायर 3m या 3n प्लस 1 के रूप का ही होगा, जहां m का क्या है, पूर्णांक है। क्योंकि हम लोग सबसे पहले क्या शुरू किए, इसमें कोई पूर्णांक नहीं बोला था, धनात्मक पूर्णांक को नहीं बताना था, इसमें धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बताना था कि 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। तो हम लोगों को वहां b पता चल गया, b क्या है, 3। a कोई धनात्मक पूर्णांक हम लोग मान लिए, a और 3 पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे तो a बराबर 3 इंटू क्यू प्लस r, और r की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो r या तो 0 होगा या 1 होगा ये 2 होगा। तो a हमेशा क्या होगा, ये 3 क्यू होगा या 3 क्यू प्लस 1 या 3 क्यू प्लस 2। तो हमको a के बारे में नहीं बताना, a स्क्वायर, तो a अगर 3 क्यू है तो a स्क्वायर क्या होगा, 3 क्यू का होल स्क्वायर यानी 9 क्यू स्क्वायर। a अगर 3 क्यू प्लस 1 है तो इसका होल स्क्वायर करेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 a into b, या a जब 3 क्यू प्लस 2 होगा तो यानी हमारा a स्क्वायर या तो इस रूप का होगा या इस रूप का या इस रूप का। तो हमने यहां पे दोबारा लिख दिया कि a स्क्वायर या तो इस रूप का होगा या इस रूप का या इस रूप का। तो हमको इसको दिखाना है कि ये 3 के मल्टीपल में 3m यानी 3 into a पूर्णांक दिखाना है, और 3 इंटू पूर्णांक प्लस 1, तो इसीलिए यहाँ पे 3 कॉमन कर लिए तो 3 यहाँ से निकाले तो 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर, ये भी पूर्णांक होगा, 3m टाइप का हो गया और ये दोनों 3m प्लस 1 टाइप का हो गया। तो यहीं तक रखते हैं हम लोग, इसके बाद आगे क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।